अरे उसे कहना ना कि मैं उसे याद कर रही हूँ, मैं बुला रही हूँ उसे, बस उसको साथ लेकर आना। खुदा हाफिज। अरे भाई अब तो बहुत इंतजाम करने पड़ेंगे। मैं तो फिर पार्लर जा रही हूँ, स्किन भी रफ हो रही है मेरी, अब बाल भी बनवा लेती हूँ। हाँ हाँ जरूर जाओ। ये क्या तुमने अपना हुलिया बनाया, कुछ ढंग के कपड़े पहनो। टेंशन ना ले अम्मी, देखिएगा आप बस। हाय खाने में क्या बनाओ। कैसी रौनक थी उसके दम से। मैं आपका सामान गाड़ी में रख के आता हूँ। नानी जान मैं जा रही हूँ, आप जा सकते हैं। बेटा खुद को कभी तन्हा मत समझना, जब जरूरत पड़े तो कॉल कर लेना, पर कराची आने का दिन चाहे तो बता देना, मैं गाड़ी भेज दूंगी। जी निम्रा, तुम हारून भाई से मिलके नहीं जाओगी, वो घर में है अपने कमरे में। आ जाओ। मैं जा रही हूं, खुदा हाफिज। काश मैं तुम्हें रोक सकता। अफसोस तुम पर ऐसा कोई हक नहीं रखता। मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा, तुमने बहुत साथ दिया मेरा। मैं चलती हूँ। हाँ देर हो रही होगी, अल्लाह हाफिज। अमन बीबी आपको और कोई काम है या बस अब मैं जाऊं? दुपट्टा आ गया, जाओ बस जाओ। मम्मी कैसी लग रही हो? बहुत प्यारी, बिल्कुल परी जैसी। थैंक यू। आपने खाना तो अच्छा सा बनवाया है ना? अरे मेरी तरफ से सारी तैयारी मुकम्मल है। और निम्रा वो लोग आ गए, रस्ते में किधर हैं? उनको हो गए 4-5 घंटे हो गए, बस पहुंचने वाले हैं। ठीक है। अच्छा मैं जरा दूसरे काम भी देख लूं। जी
मानस भाई कहीं जा रहे हैं आप? हाँ वो मैं अपने दोस्त वहाब की तरफ जा रहा हूँ। अम्मी से कहना कि खाने पे इंतजार ना करें, थोड़ा सा लेट होगा। हाँ लेकिन आज तो निमरा बाज जा रही है, तो घर पर ही रुक जाते आप भी। निमरा आ रही तो घर पे क्या कैद होके बैठ जाऊं? इसमें कैद होने वाली कौन सी बात है भाई है? इतने दिन के बाद वो आ रही है तो तुम्हें घर पे रहना चाहिए, उसे अच्छा लगेगा। अभी सिर्फ निकाह हुआ है, बीवी थोड़ी है वो मेरी, और जब तक ये शादी के झंझट से आजाद हूं ना तब तक तो एंजॉय कर लेने दें। अफसोस होता है मुझे तुम्हारी सोच पे, कदर नहीं है तुम्हें उसकी। इंसान घर में रहता है दूसरे को अच्छी तरह से वेलकम करता। अब्बा आई एम रियली सॉरी, मुझसे ना ये सब दिखावा नहीं होता। खुदा हाफिज। अहमद अहमद आ गए हैं दोनों। देखो हारून के सामने तरीके से बात करना और ज्यादा ओवर मत हो जाना, ये लोग ज्यादा पसंद नहीं करते ऐसी लड़कियों को जो ज्यादा बोलती हो। समझ आई तुम्हें? ठीक है अम्मी, कौन सा मैं पहली दफा मिल रही हूँ, आप परेशान ना हो। तुम्हें समझाना बहुत जरूरी है। अरे आगे जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? बैठो। वो हारून नहीं आया? नहीं वो नहीं आए मेरे साथ। अरे मैंने तुम्हें कहा था ना कि हारून को जरूर साथ लेकर आना, खास तौर पे मैंने तुम्हें ताकीद की थी। अब देखो ना इतना कुछ मैंने खाने को बनाया हुआ, खास एहतमाम किया था कि मेरी बहू के मैके वाले आ रहे हैं, कुछ अच्छा सा करो इंतजाम, और तुम उसे लेकर ही नहीं आए। अच्छा जो नहीं आया उसकी फिक्र तुम्हें खाए जा रही है, जो आ गई है उसका हाल चाल तो पूछो। कैसी हो बेटा? अरे ये तो मेरी शहजादी है, मेरे घर का उजाला। कैसी हो तुम, ठीक हो ना? हाँ निम्रा, बहुत याद किया हमने तुम्हें, घर बिल्कुल सूना पड़ गया था तुम्हारे बगैर, बहुत अच्छा किया तुम आ गए। जी निम्रा पाजी, मैंने ना आपकी गैर मौजूदगी में बहुत ज्यादा एंजॉय किया और किताबों को हाथ भी नहीं लगाया। अब आपकी आजादी खत्म, मैं आ गई हूँ ना वापस। हाँ बिल्कुल, और बहुत सख्ती बरतने की जरूरत है इसके साथ, नरमी बिल्कुल नहीं। अच्छा भाई तुम मुंह हाथ धो लो तो मैं खाना लगाती हूँ। चलो उठो, बैग लेके जाओ उसका अंदर। तू भी कोई काम करना सीख ले, सब काम तेरी माँ ही करती है, तू किचन में ना घुसना। मेरा बच्चा। निम्रा भाजी इतना भारी बैग है, क्या लेकर आई आप कराची से इसमें? बस ये फारिस नहीं है? नहीं बल्कि रोका तो था मैंने और अब्बा ने उनको, लेकिन सुनते कहा है वो किसी की। अम्मा अब्बा ने इनको इतना समझाते हैं लेकिन उनकी समझ में कुछ आता ही नहीं है, आप उन्हें खुद समझाइएगा। पता नहीं क्यों इतने मगरूर हो गए। मगरूर हो गए किस बात पे? ये तो मुझे नहीं पता। बहरहाल आप जल्दी से फ्रेश होकर आते, मुझे बहुत भूख लगी है, साथ में खाना खाते हैं। ठीक है मैं आती हूँ। ठीक है। चाचा के कहने के बावजूद फारिस मेरे लिए नहीं रुक रहा। आज दोपहर ही पहुंची हूँ और बहुत जल्द तुम्हारे घर चक्कर लगाने आऊंगी। तुम्हारी वापसी का सुन के ना मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है मैं बहुत उदास हो गई थी और मुझे लगता है तुम्हारा वहां पे दिल ही लग गया, तभी तुम वापसी का रास्ता ही भूल गई हो। आज पहुंची हूँ और फारस का कोई पता नहीं है, हालांकि उसको पता था कि मैं आज आ रही हूँ। चाचा के कहने के बावजूद वो घर पर नहीं रुका, अभी तक वापस नहीं आया है। वैसे वापस आए ना तो पूछना जरूर, तुम्हारा गिला करना बनता है। वैसे उसने इग्नोर क्यों किया तुम्हें? नीला मुझे वाकई अफसोस हुआ है।
अच्छा आप इसको ज्यादा दिल पे मत लो, हो सकता है वाकई कहीं बिजी हो, लेकिन हाँ वापस आए तो लाजमी पूछना। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़। जिम में जाया था, पेट निकल रहा है तेरा। अब जाऊं। नहीं पसंद से जो जो ऑर्डर करना है कर लो, बिल की परवाह मत कर, बहुत पैसा है मेरे पास। जियो मेरे बादशाह, दोस्त हो तो तुझ जैसा। ऐसा तो हर किसी के पास होता है, लेकिन ऐसा सफी दिल हर किसी के पास नहीं होता। वेटर। वालेकुम अस्सलाम। तो हो गई जाना आपकी वापसी। वैसे मेरा ख्याल है तुम्हारा वापसी आने को दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ किसी को मेरा वापसी का इंतजार नहीं है। आरिस, क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी गैर अहम हूँ? ओफो, एक तो तुम लड़कियां ख्वामखा इमोशनल होने लगती हो। ये 100 बखेड़े हैं मेरी जिंदगी के साथ। काम से ही गया हुआ था, वरना सुबह से शाम तक किसी को ख्वार होने का शौक तो है नहीं। एक फोन कॉल ही कर लेते मैं खुश हो जाती। और अगर ये फजूल के गिले शिकवे करने के बजाय तुम थोड़ा आराम से बात कर लेती तो मैं भी खुश हो जाता ना। तुम्हें क्या पता दिली दिल में कितना मिस किया मैंने तुम्हें, और मैं दिली दिल में खफा भी था कि गई हो तो वापसी का रास्ता ही भूल गई हो। जो तुम आ गई हो ना, मैं बड़ा खुश हूँ। मुंह हाथ धो लो, मैं नाश्ता बना रही हूँ। ये तुम क्या आते साथ ही काम शुरू करने लग गई हो?
सारा टाइम तो सच ही संभाल रही थी, सोचा कि मैं आज कर देती हूँ। अरे ये क्या, अभी तुम आई और आते साथ ही बावर्ची खाने में घुस गई हो। मैं बना लेती हूँ ना नाश्ता, तुम्हें भूख लगी थी मुझे बता देती बेटा। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। कल से नहीं आओगी तुम बावर्ची खाने में, मैं खुद सारे काम करूंगी। मैं जरा तुम्हारे चचा को देख कर आती हूँ, उन्होंने कहीं जाना था। तैयार हुए कि नहीं? फरहीन, नोमी, क्या करते हो तुम लोग? देर हो जाएगी, फिर नाश्ते के बगैर भागोगे। इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने। जी अम्मी, वैसे अम्मी मैं निम्रा को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। निम्रा को कौन मिस नहीं कर रहा, निम्रा को तो हम सभी मिस कर रहे हैं, और अम्मा तो बहुत उदास है उसके बगैर। आ जाओ हारून। वालेकुम सलाम। नाश्ता कर लो, बिल्कुल तैयार। नहीं मैं सिर्फ चाय लूंगा। क्यों भाई, चाय क्यों? सब नाश्ता तो तैयार है, नाश्ता क्यों नहीं करोगे? अपनी सेहत का ख्याल रखा करो, समझे? दिल नहीं कर रहा, प्लेन चाय बना दो। जी भाई, पनीर ये डाल देती हूँ। भाई चाय। भाई चाय। थैंक यू। फारिस, कहीं जाने का प्रोग्राम है, इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गए तुम? अरे तो घर पे बैठ के क्या करूंगा। अरे पागल पागल, निम्रा आई है। निम्रा इतने दिनों के बाद आई है, उसके पास जाके बैठो, उससे मीठी मीठी बातें करो, उसके दिल में अपने लिए जगह बनाओ, बल्कि उसे घुमाने लेके जाओ और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करवा देना। वाह क्या किस्मत पाई है निम्रा ने। अरे इतनी मोहब्बत करने वाली, इतना ख्याल रखने वाली सास भी भला किसकी हो सकती है। अब बड़ी अजीम खातून है वालदा। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अरे उसके दिल में तुम अपने लिए जगह बनाओ, उससे काम निकलवाने, उससे मोहब्बत जताओ तुम। आपको कैसे पता चला? क्या मतलब कैसे पता चला? अरे नहीं कुछ नहीं, आप बताएं कौन सा काम। बता दूंगी, वक्त आने पर सब बता दूंगी। अभी तो तुम सिर्फ और सिर्फ उसके दिल में अपने लिए जगह बनाओ, उसका ख्याल रखो। मैं उसे कहती हूँ वो तैयार हो जाए। अरे नहीं, अभी इस वक्त कहाँ लेके जाऊंगा उसे, सुबह सुबह का वक्त है, इस वक्त कहाँ लेके जाऊंगा उसे। एक काम करें, शाम का प्रोग्राम बना लें। हाँ चलो ये ठीक है, आ जाओ नाश्ता कर लो। जा रहा हूँ। अब इन्हें निम्रा से क्या काम पड़ गया है? सना को पता चल गया इसके साथ घूमने निकला हूं, ये तो कयामत ले आएगी। निम्रा, तुमने हारून से कहा था कि वो तुम्हारे साथ आए? नहीं चाची, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। नो, जब मैंने इसरार किया था तो मुझे उनका आना नामुनासिब लग रहा था। इतने दिन तक तुम उनके घर में रही, वो तुम्हें मुनासिब लगा, उसका यहाँ आना तुम्हें गैर मुनासिब लग रहा है। वैसे ये बात मेरी समझ में नहीं आई निम्रा। मैं अकेली नहीं थी, उस घर में और भी लोग थे। अच्छा चलो छोड़ो, अब तुम्हारी नानी से बात हो ना, तो उनसे कहना वो और हारून हमारे घर जरूर आए। भाई तुम्हारा ननिहाल है, मैं तो तुम्हें इज्जत दे रही हूँ ना। ठीक ठीक है। वैसे हारून ने कभी हमारी बात की? कैसी बात? अरे जिस कभी मेरा जिक्र किया हो या एमन का किया हो, कोई तारीफ वगैरह।
वो घर पे कहाँ होते थे, बिजनेस में इतने बिजी होते थे, ज्यादा बात नहीं होती थी। अच्छा, मैं तो जब वहां थी हमारी तो अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। लो, दो चार बातें क्या हो गई उससे तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अरे असल अंडरस्टैंडिंग तो निम्रा से है, कजन जो है तुम्हारा। वैसे जब तुम आई हो तो उदास तो होंगे। मैं सब घर वालों की बात कर रही हूँ। किसी ने रोका तो होगा ना तुम्हें कि अभी मत जाओ? मुझे अपने घर वापस तो आना था। हाँ भाई, तुम्हें अपने घर वापस तो आना था। वैसे तुम्हारे यहाँ आने के बाद तुम्हारी किसी से बात हुई? किससे? खाला, नानी, बाकी सब लोग? किन ख्यालों में गुम हो? नानी जान से हुई थी, वो आपको सलाम कह रही थी। वालेकुम सलाम। भाई बहुत ही नफीस खातून है, अब तुम्हारी बात हो ना तो मेरी भी जरूर बात करवाना। अच्छा लाओ, मैं काटती हूँ। अरे तू बाहर बैठा, तुझे मैंने कहा था मेरी बात क्यों नहीं समझ में आती? तुम्हें कहा था कि निम्रा को घुमाने लेके जाओ, तेरी अकल में मेरी बात क्यों नहीं आ रही है? अरे निम्रा कोई बच्ची थोड़ी है जो बाहर ले जाने से घुमाने फिराने से खुश हो जाएगी। अच्छा तो सना बच्ची है जो पूरे जमाने में तेरे साथ खाक छानती रही, तेरी अकल में मेरी बात क्यों नहीं आ रही है? अरे मैंने तुझे कहा ना कि तू निम्रा को खुश रख, उसे खिला पिला, उसके दिल में अपने लिए जगह बना, तो सुनता क्यों नहीं है? अरे मुझे उससे जरूरी काम निकलवाना है, कल मैं अपनी बात बिठा ले, मैं बुला रही हूँ उसे, उसे तैयार हो जाए, उसे लेके जा। अरे सना की कॉल, अगर इसने निम्रा की मौजूदगी में कॉल कर ली मैं तो मारा जाऊंगा। हाँ सना। हाँ फारिस, कैसे हो? सुनाओ, तुम्हारी निम्रा आ गई वापस? मेरी कहाँ से हो गई यार, तुम ऐसी बातें करती हो ना मेरा दिल जलता है। हाँ आ गई है। तुम्हारी कोई बात हुई उससे? जाहिर है बात तो करनी पड़ती है ना। क्या बात हुई? बस इधर उधर की बातें, और भला क्या बात कर सकता हूँ उससे। और कोई बात करने की कोशिश भी मत करना, लगी समझ? जी सरकार। अच्छा सुनो, दोबारा शाम में कॉल मत करना, कुछ दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम बना हुआ है ना इसलिए। क्या मतलब, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि उसके साथ बाहर जा रहे हो? यार तुम औरतें इतना शक्की मिजाज क्यों होती हो? मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है फारिस, तुम उसी के साथ बाहर जा रहे हो। करूंगी कॉल, मैं बार बार करूंगी कॉल। उफ हो, ये नई मुसीबत, निम्रा की मौजूदगी में सना की कॉल आ गई तो मुझसे बदजन हो जाएगी। फिलहाल तो मैं ये बात अफोर्ड नहीं कर सकता, निम्रा को अपने मुखलिस होने का हर हाल में यकीन दिलाना है मुझे। परीन? जी भाई। इधर आओ बैठो। जी बोले। कॉलेज कैसा जा रहा है, भाई में कोई मसला तो नहीं? भाई सब ठीक है।
निमरा से कोई बात हुई? हाँ अभी कर ली हुई थी। कैसी है वो? वो कह रही थी कि वो अपने घर वापस चली गई है, उसको दिल नहीं लग रहा, वो हम सबको बहुत ज्यादा मिस करती है। और हारून भाई, मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगी, आप उससे मुझे मिलने जाने की परमिशन तो दे देंगे ना? जरूर जाना। थैंक यू। हारून जी बिल्कुल, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। कहिए। दरअसल नौरीन के ससुराल वाले हम लोगों को डिनर पे बुलाना चाह रहे हैं और उन्होंने स्पेशली फरमाइश की है कि हारून को जरूर लेकर आइए। जाकर क्या करूंगा, आप लोग जाएं, मेरी तरफ से माजरत कह दीजिएगा मसरूफत की वजह से नहीं आ सका। लेकिन हारून, मैं आजकल वाकई बहुत बिजी हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मम्मा आप टेंशन मत लें, सही है, कोई बात नहीं। सना अब तो यकीन आ गया ना कि मैं दोस्तों के साथ ही था? हाँ हाँ आ गया यकीन, अब तुमने अपने दोस्त से बात करवा दी तो कैसे यकीन नहीं आएगा। लेकिन फारिस, वो तुम्हारे निकाह में अभी भी है और तुम लोग एक घर में भी रहते हो। मत भूलो कि उससे मेरे निकाह में लाने का मंसूबा भी तुम्हारा ही था। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि तुम इतना लंबा मंसूबा बना दो। अब बस करो, जल्दी से अपना काम निकलवाओ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। ये काम भी हो ही जाएगा, तुम बस तसल्ली रखो और फिर तैयारी भी रखो। हम लोग निकाह करेंगे और मैं तुम्हें कराची ले जाऊंगा, वहां पर हम अपना बड़ा सा घर खरीदेंगे और फिर वहीं रहेंगे। लेकिन ये सब बातें तो बात की हैं, पहले प्रॉपर्टी तो अपने नाम करवा लो। अरे प्रॉपर्टी भी हो ही जाएगी नाम, तुम फिक्र क्यों करती हो? टेंशन मत लिया करो, मैं सब संभाल लूंगा। बहुत जल्द आने की कोशिश तो करोगी ना नीरा? घर पर सब खैरियत है? हाँ हाँ अम्मी बिल्कुल ठीक है। तुम्हें पता है निमरा, अम्मी तुम्हें बहुत याद करती हैं। कल अब्बू से भी फोन पे बात हुई थी, अब पूछ रहे थे कि निमरा कैसी है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, और कुछ दिन पहले ही कराची से वापस आई है। निमरा, अनिला मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, चची बुला रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। जी चाची, तुम किससे बात कर रही थी? हारून से बात कर रही थी क्या इतनी देर से? नहीं चाची, अनिला की कॉल आई थी। अच्छा, मुझे लगा तुम हारून से बात कर रही हो। वैसे हारून कैसा है? उदास तो बहुत होगा, इतना पैसा है उसके पास, लेकिन दिल की खुशी तो नसीब वालों को ही मिलती है। चाची आप बुला रही थी, कुछ काम था? अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे भला तुमसे क्या काम हो सकता है। वो इतनी देर से तुम नजर नहीं आई ना मुझे, तो मैं बेचैन हो गई थी। वो तुमसे बात करनी थी बेटा। जी, फारिस का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? ठीक है। बस ठीक है। अरे तुम दोनों की शादी हुई है, इकट्ठे रहा करो तुम दोनों एक साथ, और वो भी इतना शर्माया शर्माया तुमसे बात करता है, तुम भी उससे इतना दूर रहती हो। बेटा जब वो आया करे ना, तो उससे खाने का पूछो, पानी का पूछो, चाय का पूछो, उसके साथ बैठकर ढेर सारी बातें किया करो। मैं इस वक्त
फारिस की माँ बन के तुमसे बात भी कर रही हूँ, तुम्हारी माँ बन के बात कर रही हूँ, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ बेटा। खुश रहा करो। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैंने संभाल ली है, सुरुफियत तो होगी ना? हाँ जाहिर है। वो सोसाइटी में जो प्लॉट तुमने खरीदा है उस पे क्या करना है? को घर वर बनाने का इरादा? ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम बताओगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। तो मैं छुपा थोड़ी रहा हूँ इसमें, ना मैंने कोई चोरी की है जो डरूंगा, ना पैसा है अपनी जमीन ली है, कुछ गलत थोड़ी किया है। सिर्फ तुम्हारा पैसा है? ये मत भूलो बरखुरदार कि तुम्हारा निकाह मैंने और तुम्हारी माँ ने मिलकर करवाया है निमरा के साथ, सो इस पैसे पे हमारा उतना ही हक है जितना तुम्हारा है। तुम अकेले इसे हजम नहीं कर सकते हो। समझ गया, अच्छी तरह समझ गया। हाँ अच्छी तरह समझ जाओ, और आइंदा मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, वरना अगर हम तुम्हारा निकाह करवा सकते हैं तो तुम्हारी तलाक भी करवा सकते हैं। ठीक है, अब मैं जाऊं। चेकबुक कहाँ है? चेकबुक निमरा के पास है। मुझे 20 लाख रुपया चाहिए और वो भी फौरी। 20 लाख? ये तो बहुत बड़ी रकम है अब्बा। निमरा पूछेगी तो मैं क्या बोलूंगा उसको, क्यों चाहिए? उसको कह देना कि प्लाजे की मुरम्मत शुरम्मत के लिए पैसे चाहिए। वैसे इतनी रकम चाहिए क्यों आपको? क्यों भाई, तुम हमसे पूछे बगैर प्लॉट खरीद सकते हो तो हम 20 लाख नहीं खर्च कर सकते? मेरा वो मकसद नहीं था अब्बा। अच्छा सुनो, तुम निमरा से कोई बात मत करना, हम उससे खुद ही चेक साइन करवा लेंगे, हमारी बच्ची है, हमें इनकार थोड़ी करेगी। ठीक है मैं चलता हूँ। बहुत पर निकल रहे हैं तुम्हारे बेटे के, संभाल लो इसे, काटने पड़ेंगे ये पर।